हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। तो आज आपके लिए मैं फुल्ली कट ऑफ बताने वाला हूँ जो ही रहने वाला है 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। और बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जैसे कि मैं पूरा साक्ष्य दिखा सकूँ आपको कि इतना ही कट ऑफ जाएगा क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि 2016 का कैसा रिजल्ट रहा था और कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ गया था फाइनली। तो 2016 की अगर मैं बात करूंगा इज, तो आप देख रहे हो कि 2016 में जो टोटल सीट्स थी बालक वर्ग की वो थी कितना था दोस्तों, 59 सीट्स था, और जो बालिका वर्ग का जो सीट्स था वो 4 सीट्स था 2016 में। अब 2016 में जो 59 था उसमें से जनरल की 23 सीटें थी, ओबीसी की 25 सीट्स थी, ठीक है, और एससी की 11 सीट्स थी, और एससी की जो एसटी जो था उसका कोई भी सीट्स नहीं था। एससी जनरल में गर्ल्स की बात करें 3, ओबीसी का 1, और बाकी दोनों का कोई भी सीट नहीं था। बट होता है क्या गाइस, एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, जो जनरल की सीट्स होती हैं उन पे ओबीसी का बंदा भी फाइट कर सकता है और एससी का बंदा भी फाइट कर सकता है, ठीक है। तो जनरल के लिए तो सिर्फ कितना सीट्स है, 23, बट अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के लिए ये ऐड भी करना पड़ेगा, मतलब 48 सीट्स हो जाएंगी। अगर मैं एससी की बात करूं तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो 34 सीट्स हो जाएंगी, ठीक है। तो इन्हीं सीट्स के बेस पर हमने एनालिसिस किया कि पुराना कट ऑफ कितना गया, और इस बार जो पेपर था वो मॉडरेट, मतलब एवरेज लेवल से थोड़ा ऊपर था, ठीक है। 2016 से थोड़ा पेपर जो था वो हार्ड था, लेंथी था, तो इसलिए 2016 से इसका जो कट ऑफ है वो थोड़ा नीचे रहने वाला है, ठीक है। तो एंड तक देखते रहिएगा और फुल्ली प्रूफ के साथ आपको भी समझ आ जाएगा कि हाँ इतना ही कट ऑफ जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं अब 2021 में कितना सीट्स है, ठीक है, दोनों का कंपेरिजन करते हैं फिर। अब जो 2021 है उसमें टोटल सीट्स जो है 98 है, और पिछले वाले में कितना था, 59 सीट्स था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, बालिका वर्ग में तो एक सीट है, वो भी जनरल में है, तो उसको छोड़ दीजिएगा अभी, उस पर बाद में एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, जनरल का सीट्स कितना, 65, ओबीसी का कितना, 22, और एससी का कितना, 11, और एसटी का कितना, 0 सीट्स। तो टोटल कितना हो गया, 98 सीट्स हो गया। ये 2021 की बात चल रही है, ठीक है, जिसका अभी, ठीक है, रिजल्ट आना बाकी है, ठीक है। तो अभी देखिएगा आगे, अभी मैं इस बेस पे आपको बताता हूँ कि अभी इसमें देखो मैं दिखा रहा हूँ साक्षी के साथ आपको कि पुराना कट ऑफ कितना गया था, तो बाद में मैंने अलग से भी बना रखा है। ये देखिएगा आपको, मैथ वर्ग का, बालक वर्ग का कितना, 360, जनरल का है अभी मैंने अलग से लिखा है, यहाँ पर थोड़ा कम दिख रहा होगा, 338, ओबीसी का गया था, और 296 जो गया था वो गया था एससी का। तो 360 जनरल और 338 जो है वो ओबीसी का, और 296 जो था वो किसका था, एससी का था, ठीक है। तो इस तरह से कट ऑफ बनी थी हमारी। अब इसी को अभी मैंने अलग से लिख रखा है क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा, अभी फाइनल यहाँ पे बात करते हैं। और पहले ये पता कर लेते हैं कि जो टोटल 500 मार्क्स होते हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसके बाद हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो फाइनल कट ऑफ थी उसमें कितने क्वेश्चंस पर सिलेक्शन हुआ था। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो टोटल जो होता है वो 500 मार्क्स का होता है, 500 में 85 मार्क्स तो हमारे रिटन के होते हैं, रिटन का मतलब जो हम पेपर देते हैं 125 क्वेश्चनों का, प्लस 15% जो होता है वो 75 मार्क्स एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा का मतलब उसमें दो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, एक तो इंटरव्यू होता है और एक स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है, अभी उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो 125 क्वेश्चन होता है उसमें प्रत्येक क्वेश्चन का 3.4 मार्क्स कंटेन करता है, तो इसलिए अगर मैं 125 का मल्टीप्लाई 3.4 से करता हूँ तो 425, अर्थात जो हम 125 नंबर का 125 क्वेश्चंस का पेपर देते हैं उसमें से कुल कितने मार्क्स होते हैं, 425, और बचे हुए जो 75 मार्क्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, उसमें 50 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू होता है, और बाकी स्पेशल जो क्वालिफिकेशन होती है बीएड, एमएड और पीएचडी, तो बीएड का हमारे लिए कितना मिलता है, 1%, 500 का 1% कितना हो गया, 5%, ठीक है, 2% एमएड का और 2% हमारा पीएचडी का। तो 5 नंबर अगर किसी के पास बीएड है तो उसको 5 नंबर स्पेशल में मिलेंगे एजुकेशन में, और ठीक है 10 नंबर एमएड है तो 10 और मिल जाएंगे, और पीएचडी है तो भी 10 और मिल जाएंगे। अगर किसी के पास ये तीनों चीज़ें हैं तो उसको 25 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से कुल मिला के अगर ये भी होता है कि कोई स्पोर्ट्स का बंदा है या आर्मी का बंदा है तो उसको भी 5 मार्क्स मिल जाते हैं इन्हीं की, ठीक है, इन्हीं 25 मार्क्स में से दे दिया जाता है। तो अभी यहाँ पे अगर बात कर लें तो
अभी जो हमने पेपर दिया है वो 25 मार्क्स के, चार 425 मार्क्स के लिए दिया है, उसमें से 75 मार्क्स अभी हमारे इंटरव्यू और प्लस स्पेशल क्वालिफिकेशन पर ऐड होने वाले हैं, ठीक है। तो हम अभी इस पे एनालिसिस करते हैं कि कैसा क्या रहने वाला है। तो आगे देखिएगा, आगे कंडीशन ये है दोस्तों कि 2016 है हमारा, उसकी जनरल की कट ऑफ की हम बात करते हैं, ठीक है, कितना रहा था और क्या रहने वाला है और अभी क्या रहने वाला है। तो देखिएगा 2016 में कितना गया था, 360, जो मैंने अभी आपको ओरिजिनल दिखाया था ऑफिशियल साइट से, तो 360.32 गया था, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात कर लूँ, एवरेज जो इंटरव्यू होता है साहब वो कितना होता है, 50 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स में थे आपको 25 तो उसको देने ही देने हैं, 25 मार्क्स तो देगा ही देगा, ठीक है। आप अगर सही थोड़ा बैठ के अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो 25 मार्क्स तो सब किसी को नॉर्मल मिलते हैं, तो मैं एवरेज लगा के चलता हूँ कि सभी को 30 मार्क्स तो मिले ही होंगे इंटरव्यू में, तो मैं इसमें से वो 30 मार्क्स और प्लस किसी के पास जो स्पेशल क्वालिफिकेशन है वो मार्क्स मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ, तो पता चलेगा मुझे कि कितने मार्क्स पे इंटरव्यू कॉल हुई थी, मतलब कितने मार्क्स पे हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो जो 30 नंबर्स हैं वो हमने मान लिया कि इंटरव्यू में मिला है, और 5 नंबर उसको बीएड के, क्योंकि लगभग मोस्टली सबके पास 90% बीएड होता है, तो 5 मार्क्स में ये बीएड के, जिसके नहीं है वो 5 मार्क्स अपने एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, दो क्वेश्चन बढ़ा लेना, दो या डेढ़ क्वेश्चन बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, तो उसको ऐड करने पड़ेंगे जिसके पास बीएड नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 35 मार्क्स हमें यहाँ से मिल जाते हैं, तो 360 में से तो 35 मार्क्स तो ये किसी के पास रहे ही होंगे 100%, तो अगर मैं अगर इन्हें माइनस कर दूँ तो 325 मार्क्स, तो कितने पे हुआ था, 325, जो कहाँ से मिले होंगे आपको 125 क्वेश्चनों से, तो कितने क्वेश्चन बने होंगे 325 पे, ये चीज़ देख लेते हैं। तो 325 को मैंने जब 3.4 से डिवाइड किया, 3.4 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि एक क्वेश्चन का जो नंबर होता है वो 3.4 होता है, तो यहाँ से जो एवरेज बना वो 95 क्वेश्चंस बना था, कितना बना था, 95 क्वेश्चंस, ठीक है। और उस समय अगर मैं सीट का एनालिसिस करूँ तो उस समय जनरल में मात्र कितनी सीट्स थी, 23 सीट्स थी, समझते रहे ना इस चीज़ को, और जो प्रेजेंट टाइम 2021 में है वो 65 सीट्स है, मतलब इसका जस्ट 3 टाइम्स, कितना है, जस्ट 3 टाइम्स है इसका दे रखा है। तो आप समझ सकते हो जो 2016 में 23 सीट्स थी जनरल की, तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 95 गई थी, और इस समय इसका 3 गुना सीट्स है, तो 95 है 2016 का, अब आप समझ सकते हो 65, अभी फाइनल कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ कितना रहने वाला है, तो अभी बस आप इतना समझ के चलिएगा 2016 में 23 सीटें थी तो कट ऑफ हमारी 95 क्वेश्चंस गई थी, बट अभी इसका 3 गुना सीट्स है, 65 सीट्स है, ठीक है, तो कट ऑफ क्या होगा वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। अब अगर मैं ओबीसी का एनालिसिस करूँ, ओबीसी का 338 नंबर पे गया था, 338 में भाई मैंने 30 नंबर इंटरव्यू जनरल में और 5 नंबर बीएड का घटा दिया, तो 35 नंबर माइनस करने के बाद यहाँ से 303 नंबर बच रहा है, और 303 नंबर में कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, 89 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब आप समझिएगा यहाँ पे 2016 में कितना सीट्स था, 2016 में 23 सीट्स जो था वो जनरल का था और 25 सीट्स जो थी वो ओबीसी की थी, तो टोटल ओबीसी 48 सीट पे फाइट कर सकता था, ठीक है, कितने पे, 48 सीट पे फाइट कर सकता था, बट अब जो सीट्स है वो आप यहाँ पे देखिएगा कितना सीट्स दे रखा है, 65 जनरल है और 22 ओबीसी है, तो अब जो सीट्स बन रहा है प्रेजेंट टाइम ओबीसी 87 सीट्स पे फाइट कर सकता है, तो पहले 48 था और अब जो हो गया वो 87 हो गया, जस्ट लगभग समथिंग इसका डबल, पहले का ओबीसी कितना सीट्स हो गया, डबल सीट्स हो गया, मतलब पहले 48 था अब 97 सीट्स है, सॉरी 87 सीट्स है प्रेजेंट टाइम में 2021 वाली भर्ती में, तो यहाँ पे जस्ट इसका डबल हो चुका है, ठीक है। तो अब आप इसके भी एनालिसिस करेंगे, जो पुराना कट ऑफ गया था वो 89 मार्क्स 89 क्वेश्चंस गया था, ठीक है, और अभी इसका डबल सीट्स हो गया है, तो अभी कुछ कम होने वाला है, तो वो कितना कम होगा वो मैं अभी आपको बताने वाला, एससी पे भी एनालिसिस कर लेते हैं, 296, ठीक है, टोटल मार्क्स रहे थे इसमें से वही 35 में डायरेक्ट 30 इंटरव्यू और 5 हमारे बीएड के माइनस करता हूँ, तो 261 मार्क्स बचता है। अब 261 मार्क्स में कितने क्वेश्चन करेक्ट होने वाले हैं, अब देखिएगा 76 क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, करेक्ट होने वाले हैं, तो 76 क्वेश्चंस पे हो गया था। अब देखिएगा प्रेजेंट जो 2016 में इसका 23 सीट्स था जनरल का और 11 सीट्स था एससी का, क्योंकि एससी वाला अगर बंदा जनरल में फाइट करता है तो वो जनरल की सीट्स को कवर कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टोटल कितना, 34 सीट्स पे ये फाइट कर सकता है, कब कर सकता था, 34 सीट्स पे कब कर सकता था, 2016 में, बट प्रेजेंट टाइम 2021 में देखिएगा कितना सीट्स होने वाला है,
65 जनरल और 11 हमारा एससी का, तो टोटल मिला के यहाँ पे ये 76 सीट पे फाइट कर सकता है और डबल से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, मतलब डबल से भी ज़्यादा। तो आपने देखा कि जनरल का तो ट्रिपल सीट हो गया, ठीक है, पहले से तीन गुना सीट्स हो गई, ओबीसी की भी पहले से डबल सीट्स हो गई और एससी की भी पहले से डबल सीट्स हो चुकी हैं। तो अब कट ऑफ क्या रहने वाला है, अब जरा और फाइनल एनालिसिस देखते हैं, बालिका वर्ग का भी देख लेते हैं। तो बालिका वर्ग का गया था 2016 में, ये 2016 का है, तो 2016 का जो बालिका वर्ग का गया था वो 317 नंबर गया था, इसमें मैंने वही 35 इंटरव्यू और बीएड के माइनस कर दिए 282, और 282 में 3.4 से जब मैंने डिवाइड किया तो 83 क्वेश्चंस करेक्ट हुए थे। और 2016 में इनका चार सीट्स था, तीन जनरल का और एक ओबीसी का सीट्स था, टोटल मिला के चार सीट्स था। अब फाइनल कट ऑफ देख लेते हैं भाई जो रहने वाला है। अब आप देखिएगा, पिछली बार आपने देखा था 95 क्वेश्चंस पे हुआ था जब जनरल का 23 सीट्स था, अब इस समय जो जनरल का सीट्स है, एक बार फिर दिखा दूँ, जनरल के हिस्से में जो सीट्स पड़ रहा है वो 65 सीट्स पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है 65, एक सेकेंड, ये जनरल का देखिएगा, जनरल का कितना 65, पहले कितना था 23, तो अब इसका तीन गुना सीट्स हो चुका है, सब कितना सीट्स हो चुका है, तीन गुना सीट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पहले 95 था, तो इस बार इसके ज़्यादा से ज़्यादा रहने के चांस कितने हैं, 92 क्वेश्चंस पे, आपके फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर किसी का 92 क्वेश्चंस है और उसे अगर 30 क्वेश्चन, तो 92 क्वेश्चन अगर है 3.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 30 नंबर मिनिमम तो इंटरव्यू में देगा ही देगा, अगर आप 92 प्लस करते हो तो वो आपकी क्वालिफिकेशन पे आप इतना मार्क्स गेन करके आए हो, तो किसी के सामने इतना तो है नहीं, अगर आप सामने जाते तब भी हमको 25 नंबर्स मिलने वाले, अगर वो 10 क्वेश्चन करते हैं आप एक भी दो बताओगे तब भी 30 नंबर तो मिलने वाले हैं आपको, और 5 नंबर आपका बीएड का हो गया, जिसके 5 बीएड के नहीं हैं वो स्पेशल अपने ऐड कर ले, ठीक है, ये 5 नंबर मतलब उसको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, 92 की जगह 93 क्वेश्चन करना पड़ेगा उसको, तो यहाँ पे कितना बन जाता है 347 नंबर बन जाता है लगभग। तो किसी के अगर जनरल का जो कट ऑफ जाने वाला है इस बार वो 347 से 350 नंबर के बीच जाएगा और इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये 100% एक्यूरेट के साथ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले इसके माध्यम को देखे कि इस बार सीट्स जो है वो तीन गुना हो चुका है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करता हूँ तो जनरल का है 92, अगर कोई क्वेश्चन करेक्ट करता तो उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा इस बार, ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल 2016 की अपेक्षा कठिन था और सीट्स भी पहले की अपेक्षा डबल है, ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है 100% हो जाना चाहिए 92 वाले का। अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी की, तो ओबीसी का जो पिछली गया था वो 89 नंबर गया था 2016 में, और उससे डबल सीट्स है इस बार, डबल से भी कुछ ज़्यादा सीट्स है, ठीक है, तो आप समझ सकते हो पिछली बार 89 गया तो इस बार इसके जाने की उम्मीद है 86 अगर किसी का मार्क्स आ रहा है तो उसका फाइनल सिलेक्शन ओबीसी में हो सकता है, ठीक है। तो आप अगर 86 अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो कितने नंबरों पे हो सकता है, 86 तो इसके हो गए, ठीक है, इसको 3.4 से प्लस 30 नंबर इंटरव्यू का लगा लो मिनिमम, वो तो मिलना ही मिलना है, ठीक है, और 5 नंबर बीएड का लगा लो, ठीक है, तो 327 नंबर अगर किसी का हो रहा है तो वो फाइनल सिलेक्शन में, ठीक है, फाइट करेगा, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ तक की, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एससी की बात करूँ तो एससी का पिछली बार जो गया था वो 76 नंबर गया था, बट इस बार इसके जाने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा 72 नंबर अगर किसी का आ रहा है तो वो एससी में सिलेक्शन ले लेगा, मतलब 280 मार्क्स अगर किसी के आ रहे हैं टोटल इंटरव्यू मिला के, इंटरव्यू में 35 और 5 बीएड का मिला के, तो टोटल अगर किसी का 280 मार्क्स आ रहा है एससी के अंदर तो वो फाइनल सिलेक्शन ले लेगा, अगर आप जोड़ के देख लीजिएगा। अगर मैं बालिका वर्ग की बात करूँ तो पिछली बार गया था 82 गया था 83 गया था और इस बार अगर किसी का बालिका वर्ग में 85 हो रहा है तो इस बार बालिका वर्ग में थोड़ा फाइट भी होगा, ओनली 1 सीट्स है, ठीक है, बालिका वर्ग में, तो अगर किसी का 85 आता है मार्क्स तो लगभग उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक सीट्स पे इतना एनालिसिस नहीं किया जा सकता, अगर किसी एक ही बच्चे के ज़्यादा मार्क्स आ गए तो उसकी बेस पे फिर कहना मुश्किल होगा। तो अगर 85 समथिंग अगर किसी का बन रहा है क्वेश्चन तो बालिका वर्ग में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ कि इंटरव्यू कॉल कितने के लिए, तो आपने देख लिया अभी, अगर 80, एक बार फिर बताता हूँ, 90 अगर 2 मार्क्स अगर जनरल का 92 क्वेश्चंस हैं तो जनरल में सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, 86 ओबीसी का, और 72 की बात करूँ तो मैं एससी के अंदर, और बालिका वर्ग में बात करूँ तो 85। अगर मैं इंटरव्यू के लिए कॉल की बात करता हूँ तो अगर किसी के 90 क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, ठीक है, जनरल में, तो उसके लिए इंटरव्यू कॉल आएगा, और 85 क्वेश्चन अगर ओबीसी में किसी के करेक्ट हैं तो उसके लिए भी इंटरव्यू कॉल आएगा, और एससी के लिए 70 क्वेश्चन पे इंटरव्यू कॉल आएगा, और फाइनल मैंने बता दिया है आपके लिए कितने क्वेश्चंस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बाकी आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, बहुत सारी भर्तियाँ आ रही हैं,
अभी UPGIC का, ठीक है, वो भी है, और उसके बाद आश्रम पद्धति का है, और लगातार मेरे चैनल पे आपको वीडियोज़ मिलेंगे प्रॉपरली। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसा लगा, बल्कि 100% एक्यूरेट रहने वाला है, फिर भी आप कमेंट करके मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। थैंक यू फॉर